मुकेश सहनी के बयान पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी विचार अगर किसी ने व्यक्तिगत किया है तो एनडीए में उस पर बैठकर विचार किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के विचारधारा को मानने वालों के लिए एनडीए में जगह नहीं है। दरअसल रांची में मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव उनके दिल में बसते हैं। नहीं ना, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई भी विचार यदि किसी ने व्यक्तिगत दिया है तो एनडीए में बैठ के लोग इस पर विचार करेंगे। लालू जी के विचारधारा के लिए तो कोई जगह नहीं है एनडीए में, ये बात। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के बयान पर बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है या नहीं, इस पर उनको विचार करना है। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सफलता के नाम पर कुछ हाथ नहीं लगा। मंत्री ने कहा कि बोचवा सीट पर एनडीए पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दो साल पहले उन्होंने कहा था कि उनके पीठ पे छोरा घोपा गया, तो या तो पहले वाला बयान क्या था और अभी का बयान क्या है उनको स्पष्ट करना चाहिए। और लालू जी निश्चित रूप से देश और बिहार की राजनीति में एक अलग स्थान रखते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी क्या भावना है उनके प्रति, वो तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन बिहार में जो दंश झेल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वही कमियां थी जिसके कारण बिहार में कई संघर्ष देखे हैं। अब बिहार नए दौर में है, विकास के नई किरण के साथ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब फिर से लालू जी के विषय के प्रासंगिकता पर चर्चा करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी को विचार करना चाहिए। मुकेश सहनी प्रकरण पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा, सुनिए। और ये सहनी ही नहीं, माझी जी का भी बयान आता है समय समय पे, यह शराबबंदी पे, शिक्षा पर, जो माझी जी ने कहा सदन में कहा उससे सरकार असहज महसूस कर रही है और सरकार निश्चित रूप में दबाव में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आया राम गया राम, इस प्रकार का राम राम, यहाँ राम है तो वहाँ फिर कोई आने जाने से कोई अंतर नहीं। मुकेश जी के जाने के बाद लालू जी के दल में जो है एक खुशी की लहर देखी जा रही है। मुझे लग रहा है कि कोई खुशी और कोई गम इसकी बात नहीं है। पार्टी इंटैक्ट है, एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा।